सुप्रभातम। तो कल हमने कुछ विषयों को समझा था, तो आगे उसके आगे के विषय है उनको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये। अब तक हमने देखा कि जो भी विषय है वो अज्ञान का ही विषय चल रहा है, कि जो आवरण है इसका अज्ञान की जो उपाधियां हैं उसी से ही आगे की विषय उठकर आ रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि समष्टि और व्यष्टि भेद से दो तरह की चीजें होती है, उसके दो उदाहरण हमने यहाँ पढ़े थे। इसमें देखो दो उदाहरण हमने पढ़े, एक तो बनस्या ये बनस्या व्यष्टि अभिप्रायण वृक्षा, एक जलाशय से व्यष्टि अभिप्रायण, और एक ये दोनों की क्या आवश्यकता है यहाँ पे, इस पे एक थोड़ा सा प्रश्न उठ रहा है। भी दो उदाहरण से क्या ये विषय पूरा हो रहा है? यदि हम इस पे बात करते हैं कि समष्टि और व्यष्टि का जो विषय है, इन्हें समझाने के लिए वन और वृक्ष और जलाशय और जल के जो दो दृष्टांत दिए गए, उनमें से कोई एक से भी तो कार्य पर्याप्त तो हो सकता था। फिर ये दो तरह के उदाहरण उदाहरण क्यों दिए गए, ये प्रश्न उठता है कदाचित। यह इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीजें समझनी है कि दोनों दृष्टांतों का प्रयोजन भी यहाँ अलग है। एक चिदात्मा जब अज्ञान और अज्ञान के कार्यों की उपाधि से युक्त होकर जीव भाव तथा ईश्वर भाव को प्राप्त करता है, मतलब दोनों चीजों में, जब अज्ञान के जो उभर कर आएगी, अज्ञान के जो कार्यों की उपाधियों से युक्त हो करके जीव भाव का भी उसमें ज्ञान रहेगा और ईश्वर भाव को भी प्राप्त हो जाता, दोनों तरह का, कि जीव भी ज्ञान रह रहा है और ईश्वर का भी उसमें ज्ञान हो जाता है, ज्ञान करता है, तब इन उपाधियों से जो संबंध होता है तो उसका संबंध का स्वरूप क्या स्वरूप है, जी तो इसकी जिज्ञासा का यहाँ समाधान इस प्रकार करते हैं। वही इस संबंध में कल्पना दो प्रकार से की जा सकती है, तो दो प्रकार की जो कल्पना की जा सकती है, तो अब इन दोनों के संबंध को बताने के लिए आत्मा अज्ञान और उसके कार्यों से कह रहे, या तो बोले अवच्छिन्न है अथवा या प्रतिबिंबित है, दो चीजें हैं, या तो वो अवच्छिन्न रूप में प्रतीत होता है या प्रतिबिंबित होता है। इन दोनों अवच्छेदक को मानने पर वन और वृक्ष का दृष्टांत दिया गया है, तथा तो प्रतिबिंबित मानने पर जलाशय और जल का दृष्टांत दिया गया है। तो ये सारी चीजों को समझाने का एक उपाय बताया गया, जिसमें एक आप आकाश की ओर देख रहे हो, एक आप प्रतिबिंबित वस्तु को देख रहे हो, तो उन सब चीजों का ही ये विषय है। अब अगला जो विषय हमारा इससे संबंधित है कि जब ऐसी अवस्था में आ जाते जहां मलिन सत्व प्रधान जो व्यष्टि अज्ञान की जो बातें हैं, तो उससे क्या होता है, तो उसी से कहा कि वे ईश्वर और प्राज्ञा के भोग और उन दोनों की एकता और उनकी उपाधियां क्या है, इस पे ये चर्चा कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, तो ये चीजें क्या है, तो इन दोनों को समझाने के लिए, ईश्वर और प्राज्ञा के भोग और उन दोनों में एकता का स्वरूप क्या है, ये समझाने के लिए यहाँ बातें कही है। इसमें लिखा भी है ना, अगले संदर्भ में ईश्वर प्राज्ञा की एकता और उन दोनों की उपाधियों की एकता का निरूपण किया जा रहा है। अब कह रहे तदानिम एतौ ईश्वर प्राज्ञयौ, अब कह रहे उस समय ये दोनों, उस अवस्था में जब समष्टि और व्यष्टि का जो विषय है उसकी बात कही गई है, और कह रहे उस अवस्था में, कह रहे जब उस अवस्था में जब प्रलय की अवस्था होती है या सुषुप्ति की अवस्था, दो अवस्थाएं हैं, तो कह रहे प्रलय की अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर और प्राज्ञा, एक ईश्वर है और दूसरा प्राज्ञा है, ये चैतन्य प्रदीप्त अभिरति सूक्ष्म अभिरति है ना, सूक्ष्मा भी अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः, ये दोनों उस अवस्था में प्रलय की काल की अवस्था में या सुषुप्ति की अवस्था में ईश्वर और प्राज्ञ चैतन्य से युक्त होकर के
या प्रकाशित होने वाली जो चितात्मा है उसके प्रतिबिंब से होते हुए अज्ञान की अत्यंत सूक्ष्म जो अस्पष्ट या दुर्लक्षित या दुर्बुद्ध जो समझ में नहीं आती ऐसी दुर्लक्ष्य ही कहेंगे इसको दुर्लक्ष्य वृत्तियों के द्वारा क्या करता है आनंदम अनुभवतः तो अपने स्वरूप का आनंद का अनुभव करते हैं। कहने का अभिप्राय है जब ये दोनों ईश्वर और प्राज्ञ अपनी सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं या प्रलय की अवस्था में रहते हैं तो दोनों सूक्ष्म अवस्था में आनंद का ही अनुभव करते हैं। इसलिए लिखा आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञः इति श्रुते। वो हमेशा आनंद की ही प्राप्ति करता है। कैसे करेगा आनंद की प्राप्ति? करे प्राज्ञः आनंद का भोग करने वाला है, वो चाहे स्वप्न की अवस्था हो या जागरण चेतना के प्रति हो, स्वस्वरूप आनंद हो करके चेतो मुख हो जाता है। मांडुक्य उपनिषद का वाक्य दिया हुआ है, सुखम अहम स्वप्सम न किंचित आवेदीशम। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, रात को सोया और सुबह उसने कहा कि मुझे रात भर में कोई स्वप्न नहीं आया और नींद ऐसी पड़ी कि सुबह पता ही नहीं लगा कि हम कह रहे है ना समय बीत गया। तो इसी को कहा सुखम अहम स्वप्सम न किंचित आवेदीशम, मैं आनंद पूर्वक सोया, मुझे किसी भी विषय का भान नहीं हुआ, किसी भी खबर का है ना पता नहीं लगा कि रात को क्या हुआ। इत्युत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च, इस प्रकार किसी व्यक्ति का उठे हुए व्यक्ति का यह सुबह जो जागृत व्यक्ति का वाक्य है। करे अनयोः स्मष्टि व्यष्टयोर वन वृक्षयोरिव जलाशय जलाशयोरिव वा अभेदः, कि कह रहे इसी में जो हमने कहा कि वन और वृक्ष की तरह जो अवच्छिन्न आकाश की बात है और दूसरा जलाशय और जला जल का जो प्रतिबिंब की बात है वो उसके प्रतिमुख की बात है जिसमें हम प्रतिबिंबता को देखते हैं। एक अवच्छिन्न आकाश को देखना और दूसरा प्रतिबिंब को देखना, तो इन दोनों का जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और उसके जल बिंदुओं में प्रतिबिंबित आकाश एक ही होते हैं। इस तरह का परामर्श है जैसे कि हम एक अधिक तालाब में अगर आकाश आवृत्ति को देख रहे प्रतिबिंबित देख रहे अधिक दिखेगा, या उसके बिंदु में हम इस आकाश को देखेंगे सूक्ष्म दिखेगा, तो इसी तरह का उसमें भेद हो जाता है। करे एतद उपहित उपहितयोर ईश्वर प्राज्ञयोरपि वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोरिव वा भेदः एषः सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः। इसी प्रकार जो ईश्वर और प्राज्ञ भी क्या करते हैं, दोनों में अभेद हो जाता है। वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश एक ही होता है, अथवा जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश या जल बिंदुओं में प्रतिबिंबित आकाश एक होता है। यह ही प्राज्ञ सर्वेश्वर है। इस श्रुति में ईश्वर और प्राज्ञ की एकता यहां स्पष्ट की गई है, भी एक ही है दोनों, ना उसी चीज को यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है। अगर हम इसी चीज को देखेंगे, ईश्वर प्राज्ञों के जो अभेद की बात कही गई है, तो अद्वैत वेदांत में छह पदार्थों की चर्चा होती है, ना छह तरह के पदार्थ जो अनादि माने गए हैं, उसमें जीव है, ईश्वर, शुद्ध चैतन्य, जीव और ईश्वर का भेद, अविद्या तथा अविद्या और चैतन्य का संबंध। ये छह तरह के इसमें स्वरूप बताए गए जो हम लोग अद्वैत वेदांत की बात करते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी दिया, जीव जीव ईशो विशुद्धा चित्त तथा जीवेशयोर विदा अविद्या तच्चितोर योगः षड अस्माकम आनंद आनादयः। ये अनादि माने गए है ना, जीव और ईश्वर का भेद अनादि है। ऐसी स्थिति में ईश्वर और प्राज्ञ में भी अभेद कैसे पैदा हो सकता है? तो इसी को लेकर इन्होंने चर्चा की कि ईश्वर प्राज्ञ का भेद
स्वरूप की एकता को लेकर है। दोनों ही चैतन्य स्वरूप है, इन दोनों की उपाधियां भी एक है, तो चैतन्य स्वरूपता में भेद नहीं है, तो फिर उनके उपाधियों में भी भेद नहीं हो सकता, ये इनका कहना है। इसमें हिंदी में भी ये चीज देखो यहां स्पष्ट की गई है, इसको यहां देखेंगे आप, ईश्वर प्राज्ञयोर अभेदः। अरे ईश्वर और प्राज्ञ की स्वरूपगत एकता या अभिन्नता को लेकर ही दोनों का अभेद कहा गया है। दोनों ही चित स्वरूप है ना, तो दोनों में भेद नहीं हुआ। भेद दोनों की उपाधियों के प्रतीयमान भेद को लेकर है। यद्यपि ये दोनों का भेद की अगर बात करेंगे, अभेद क्या, चित स्वरूप है दोनों, फिर इनकी उपाधियों में भेद की कैसे बात आ सकती है, तो कह रहे ये वो वन और वृक्ष की तरह ईश्वर उपाधि समष्टि ज्ञान तथा जीव उपाधि व्यष्टि में भी एक क्या ही है। ईश्वर और जीव में भेद कैसे हो सकता है, अनैक्य या भेद तो प्रतीकात्मक है। इसी को लेकर ईश्वर एवं प्राज्ञ जो है अज्ञान उपहित चैतन्य कहा गया है। अब अज्ञान से अनुपहित शुद्ध चैतन्य को ही यहां बताते हैं, तो देखिए फिर कह रहे वन वृक्ष तदाव छिन्न आकाश योर जल जलाशय जल तदगत प्रतिबिंबाकाश योर व आधारभूत अनुपहित आकाशवद अनयोर अज्ञान तदउपहित चैतन्योर आधारभूतम यद अनुपहितम चैतन्यम तत्तूर्यम इत्युच्यते। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुतेः इदमेव तूर्यम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायाः पिंडवत् अविव्यक्तम सन्महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तम संलक्ष्यमिति चोच्यते। अब कह रहे कि जैसे वन वृक्ष तदावच्छिन्न आकाशयोर जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोर व आधारभूतम आधारभूत अनुपहित आकाशवद अनयोर अज्ञान तदउपहित चैतन्योर आधारभूतम यद अनुपहितम चैतन्यम तत्तूर्यमिति उच्यते। कि कहा जैसे वन वृक्ष और इनसे अवच्छिन्न आकाश का आधारभूत अनुपहित आकाश होता है, वन और वृक्ष में जो अवच्छिन्न आकाश का आधारभूत किसे माना जाएगा, आकाश को, अथवा जैसे जलाशय में जल बिंदु और उसमें जो प्रतिबिंबित होने वाला आकाश का आधारभूत कौन है, आकाश ही है ना। इसी प्रकार ये कह रहा है वे, इसी प्रकार इसमें अगर हम देखेंगे अज्ञान में जो समष्टि भेद हो चाहे व्यष्टि भेद हो तथा अज्ञान से जो उपहित चैतन्य है, अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन हुआ, ईश्वर प्राज्ञ। ईश्वर और प्राज्ञ का जो आधारभूत है उसको अनुपहित चैतन्य कहा गया है, इसलिए लिखा तद अनुपहित चैतन्य आधारभूतम यद अनुपहितम चैतन्यम तत्तूर्यमिति उच्यते। उसी का ही नाम तूर्य दिया गया है, तूर्य का मतलब चतुर्थ है ना, इसको हम समझेंगे तूर्य क्या होता है। फिर इसी को लेकर आगे वाक्य भी दिया शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। अब मांडुक्य उपनिषद का दिया कि भाई शिव अद्वैत और चतुर्थ मानते हैं, कहने का अभिप्राय है जो ज्ञानी लोग हैं वो अनुपहित चैतन्य को तूर्य मानते हैं। इदमेव तूर्यम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवत् अविविक्तम सन्महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तम संलक्ष्यम इति चौच्यते। करे यही जो तूर्य शुद्ध चैतन्य है, चैतन्य की अज्ञान आदि प्रपंच और उससे उपहित होने वाले चैतन्य से तप्ताया पिंडवत
जैसे तपाए हुए लोहे के गोले के समान, अलग नहीं हो सकता, अलग प्रतीत नहीं हो सकता। कैसे? यदि हम कहेंगे कि गर्म लोहा है, तो गर्म लोहे को हम कहेंगे कि ये जो अग्नि नहीं है, अग्नि नहीं है, तो फिर उस लोहे के प्रतीति होनी चाहिए। लोहे का जो गुण है वो शीत है, अग्नि का गुण उष्ण है, उष्ण स्पर्श। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये लोहा भी नहीं है और अग्नि भी नहीं है। तो कह रहे कि जिसमें हम भेद नहीं प्रकट कर सकते कि इदम अयसम उत इदम अग्नि ही, दोनों में उस समय क्या होता है कि अभेद प्रकट हो जाता है कि अग्नि है लोहा है तो ठंडा होना चाहिए, आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, अग्नि है तो वो उष्ण है, फिर वो लोहे की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। भी उसमें कहा तप्तायः पिंडवत, जैसे गर्म लोहे को क्या करते हैं हम गोले के समान अलग न प्रतीत होता हुआ भी महावाक्य की उत्पत्ति करता है। महावाक्य कौन हुआ? तत्त्वमसि, है ना। महावाक्य का जो वाच्यार्थ कहा जाता है उसे अलग प्रतीत हुआ लक्ष्यार्थ कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना। इसको समझने के लिए एक बार तो हमें चाहिए कि हाँ यह विषय क्या चल रहा है। एक तो आधार भूत उपहित अनुपहित आकाशवत एक शब्द यहां प्रयोग किया गया है ना। तो यहां देखेंगे आधार, इसको थोड़ा सा आपने समझना कि यदि हमने अवच्छिन्न आकाश जल के बिंदु में देखना हो, चाहे वृक्षों के बीच में देखना हो, तो इनके मुख्य कारण कौन है? आकाश है। आकाश का भी प्राय और रिक्त स्थान, यद्यपि आकाश ना तो वन और वृक्ष का आश्रय है, ना ही वो वन का आश्रय है, ना ही वृक्ष का आश्रय, और ना ही जलाशय का और ना जल बिंदु का आश्रय है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वह इनका साक्षात उपादान कारण नहीं है, उनको उत्पत्ति का कारक वो नहीं है। फिर भी आकाश के बिना या अवकाश के बिना इनकी स्थिति ही नहीं हो सकती। यदि आकाश नहीं होता तो ना वृक्ष होता ना जलाशय होता, इसलिए आकाश को इनका आधार माना जाता है। फिर दूसरी बात आई है तूर्यम क्या है, है ना। तो तूर्य शब्द का प्रयोग किया गया, ये चतुर्थ संख्या के लिए उत्पन्न होता है ना। जो तूर्य और तूर्य दो तरह से यहाँ शब्द उत्पन्न हो जाता है। एक अष्टाध्यायी का सूत्र भी, सूत्र अष्टाध्यायी में जब हम देखते हैं एक चतुर्श छयाताव ऐसा करके कुछ वार्तिक है, तो उसके द्वारा वहां पे चतुर शब्द को तूर्य आदेश हो जाता है। इन दोनों का चतुर्थ हो जाता है। तो सुषुप्ति की जो अवस्था है वो प्राज्ञा कही जाती है, स्वप्न का जो अभिमानी अवस्था उसको तैजस कहा जाता है ना। तो इसी में जैसे अज्ञान जीव और ईश्वर की अपेक्षा इसको चतुर्थ कहा गया है, क्योंकि ये ग्रंथ में इसी तरह इसका निरूपण प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए, आपने इतना समझना कि ईश्वर और प्राज्ञा में कोई भेद नहीं है, एक ही दोनों इसके आधारभूत है। अब देखिए, अब समष्टि तथा व्यष्टि के भेद से अज्ञान के दोनों विभागों का प्रकारों का निरूपण कर लेंगे और अनंतर उनके कार्यों का विवरण उसमें प्रस्तुत करेंगे, उनकी शक्तियों का निरूपण करके, है ना, आगे इसमें बातें कहेंगे। भी है क्या आपको इतना समझना है कि विषय क्या चल रहा है? तो ये कह रहे हैं कि हम लोग माया के कारण, अज्ञान के कारण क्या होता है, ईश्वर को और जीव को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। वस्तुतः है दोनों एक ही, उसी को ही समझा रहे। अद्वैत का मतलब यही है, यही स्पष्ट कर रहे कि दोनों एक तत्व है, लेकिन फिर भी हम इनके उपाधियों से उनको अलग अलग कर रहे। स्वरूप तो एक ही है ना, जीवात्मा और परमात्मा के जैसे हमने भिन्न भिन्न भेद किए, तो यहां ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि ये एक ही है, इसके लिए कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। ये महावाक्य पे जब हम जाते तो प्रारंभिक रूप में गुरु कहते हैं तत्त्वमसि, तुम भी वही हो।
जब उसे ज्ञान हो जाता है तो अंत में वो बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं भी वही हूं। फिर जब उनको लगता है, पता ही अयम अपि ब्रह्मा, अयम अपि ब्रह्मा, अहम अपि ब्रह्मा, इसका मतलब है सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। तो इसी चीज को यहाँ बातें कही गई है। अब तत्वमसी का जो हमारा विषय आता है महावाक्य का, उसको वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ रूप से हम स्पष्ट करते हैं। और ये जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसमें वाच्य व्यंजनाओं के बारे में पढ़ा भी है, तो वही विषय यहाँ पे लक्ष्यार्थ क्या हुआ, उसके नजदीक पहुंचना वाच्यार्थ हुआ, सामान्य रूप से उसका कहना कि भी ये ऐसा है, आपको समझाना कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है। आगे कह रहे, अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। इसी अज्ञान की दो शक्तियां हैं, ये पूछा भी जाता है। अज्ञानस्य शक्ति कौन सी, आवरण और विक्षेप शक्तियां किसकी है, ये अज्ञान की ही दो शक्तियां। और आवरण शक्ति किसे कहा जाता है, आवरण शक्ति स्तावत अल्पो अपि मेघो अनेक योजन योजन आयत आयतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया यथा छादयतिव तथा ज्ञानम परिच्छिन्नम अप्यात्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया अछादयतिव तादृशम सामर्थ्यम। कि ये कह रहे कि आवरण शक्ति किसे कहते हैं और विक्षेप शक्ति किसे कहते हैं। तो आवरण शक्ति की पहले बात कर रहे हैं, भी एक आवरण शक्ति हुआ ढक जाना, किसी चीज से ढक जाना, उसको कहते हैं आवरण। जैसे सूर्य के सामने कोई बादल आ गया है ना, इसलिए लिखा आवरण शक्ति स्तावत अल्पो अपि मेघो, मेघा नाम बादल। अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम, भाई कितना बड़े, इतना अनेक योजन बड़ा जो आदित्य है, सूर्य है, उसको क्या कर लेता है, ढक लेता है। जब उसको ढक लेता है तो फिर कह रहे हैं कि उनको मानने ढक लेने के कारण मानो अनेक योजन तक जो है अंधकार छा जाता है या उसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। करे उसी प्रकार अज्ञान भी क्या करता है, परिच्छिन्न होने पर भी प्रमाता की बुद्धि को ढक लेता है। प्रमाता मतलब अधिकारी, जो जानने वाला है वेदांत शास्त्र को, उसकी बुद्धि को भी ढक लेता है। तो मानो अपरिच्छिन्न और असंसारी जो आत्मा को ढक लेता है, उसी को ही आवरण शक्ति कहते हैं, या इसी को ही आवरण शक्ति कहा जाता है। आचार्य ने इसको आवरण नाम दिया भी। जैसे हम बाह्य विषयों के कारण आत्म तत्व को नहीं जान पाते हैं, उसी को ही आवरण कहा, कि भाई उस जीवगत ब्रह्म को और ईश्वर को दोनों में भेद प्रकट कर लेते हैं कि नहीं मैं भिन्न हूं। तो इसी का ही उदाहरण दिया नीचे, घन घन छन दृष्टिर घन छन मार्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा वध वद भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा इति। तो ये सारी चीजें कही, घन छन वृष्टि, जिस प्रकार अत्यंत मूढ़ पुरुष क्या करता है, बादल से अपनी दृष्टि के ढक जाने पर, सूर्य को बादल से ढका हुआ है ना मानता है, या उसके अब प्रकाश से रहित मानता है, करे उसी प्रकार जो मूढ़ व्यक्ति होता है, जिसको अभी तक पुरुष की दृष्टि का ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व को नहीं जानता है, तो आत्मा को बंधन में पड़ा हुआ ही मानता है कि भी आत्मा जो है संसारिक वस्तु है। ये सारी चर्चा है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। अनया एव आवरण शक्त्यावच्छिन्नस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख दुख मोहात्मकत्वं
तुच्छ संसार भावा भावनामपि संभाव्यते यथा स्वज्ञानेन आवृत्तायां रज्ज्वां सर्पत्व संभावना। तो इसी तरह कह रहे अनया एव भावनाया, इसी प्रकार जैसे हम क्या कर रहे आवरण शक्ति के द्वारा, जैसे आवरण शक्ति के द्वारा आत्मानम आत्मा को कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक जो तुच्छ संसार की भावना की भी संभावना कर लेते हैं, भैया ऐसा ही है। तो कह रहे यथा स्वज्ञानेन आवृत्तायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना, जिस प्रकार हमें क्या होता है रस्सी रज्जु विषय का ज्ञान के द्वारा ढकी हुई रज्जु में अपनी शक्ति से सर्प इत्यादि की तो भावना कर लेते हैं, है ना। जब उसका ज्ञान दूर हो जाता है कि ये सर्प नहीं रज्जु है, तो ये ज्ञान जब हमें हो जाता है तो तब हमें उसका क्या लगता है कि नहीं भय भी दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार कह रहे यह जो ईश्वर और प्राज्ञा है जो हम लोगों को क्या ढके हुए होने के कारण हमें लगता है ये कि इससे भिन्न है, जहां पे हमने अज्ञान की जो आवरण शक्ति से आच्छन्न हो करके आत्मा में कर्ता होना भोक्ता होना सुख दुख मोह स्वरूप तो संसार से युक्त होने की संभावना कर लेते हैं। और विक्षेप शक्ति क्या है, जिस प्रकार रज्जु विषय का ज्ञान जो हमने अज्ञान की रज्जु में हमने सर्प का ज्ञान कर लिया, उसको ऐसा आत्मा को भी ढका हुआ मान लिया कि ये किसी और के द्वारा आकाश आदि कार्य समुद्र की भावना कर लेते हैं। विक्षेप शक्ति ऐसे ही सामर्थ्य है ऐसा कहा गया है। विक्षेप शक्ति सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ करके ब्रह्मांड पर्यंत जगत की सृष्टि कर देता है, फिर उसी से ही इस विक्षेप शक्ति से ही हमारा सारा का सारा संसार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अज्ञान की जो उपहित चैतन्य शक्ति है उसके दो भेद है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति हो गया जिसमें ढक जाना, जिसमें हमें ये होना कि आत्मा ही करता है भोगता है, और विक्षेप शक्ति में क्या होता है जिसमें बिल्कुल विपरीत ज्ञान हो जाता है, यद्यपि वास्तविकता नहीं है परंतु हमें उसका भी ज्ञान हो जाता है, जैसे रज्जु और सर्प में भेद हो जाता है, और उसी से ही ये सृष्टि की फिर उत्पत्ति हो जाती है विक्षेप शक्ति से। आगे लिखा विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्ज्व ज्ञानम स्वावृत्त रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवम अज्ञानम अपि स्वावृत्त आत्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति तादृशं सामर्थ्यम तदुक्तम विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांड ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। ये जो अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है इसमें रज्जु विषय होने वाला जो अज्ञान है वो अपने द्वारा ढकी हुई रज्जु में क्या कर रहा है अपनी शक्ति से सर्प आदि की उद्भावना कर देता है। उसी की यहां बात की कि इसी विक्षेप शक्ति से क्या होता है जगत की सृष्टि होती है। फिर आगे कहा विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, इसी से फिर इस संसार की कल्पना होती है और जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तो आगे देखो शक्ति द्वयवद अज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमितम स्वउपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमितम स्वशरीर प्रधान तयोपादानम च भवति। अब कह रही है जो अज्ञान की आवरण शक्ति है या विक्षेप शक्ति दो चीजें हैं, इन दोनों की बातें यहां करें। शक्ति द्वयवद अज्ञानोपहितम चैतन्यम, जो अपनी आवरण शक्ति और विक्षेप नाम शक्तियां जो दो है, इन दोनों शक्तियों से संपन्न अज्ञान उपहित चैतन्य, उपहित चैतन्य का मतलब समझना ईश्वर, तो ईश्वर अपनी प्रधानता से क्या करता है इसमें कहा निमित्त स्वउपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। भई अपनी प्रधानता से जगत का क्या बनता है निमित्त कारण बनता है,
उसको उत्पत्ति का कारण बन जाता है, और उपाधि अज्ञान की प्रधानता से उपादान कारक बनता है। तो जैसे यहां लूता का उदाहरण दिया, लूता कहा जाता मकड़ी को, जिसे लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमितम कारण शरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। जैसे मकड़ी अपने जाले को बनाने में कार्य के प्रति है ना, अपने आप में ही क्या हो जाती है, उपादान कारण हो जाती है। तो इस प्रकार ये आज का विषय है। तो इसके बाद विषय थोड़ा बदलेगा, अब सृष्टि के बारे में चर्चा आएगी। तो सृष्टि का चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे, कल ही शाम की कक्षा में इसको चर्चा कर लेंगे। तो अब यहां तक थोड़ा आपको समझना, इसके आगे तो सरल है विषय, आगे समझना इजी है।